सलमान खान की फिल्म रेस 3 सिनेमाघरों में दस्तक दे रही है। सभी को इस फिल्म से बहुत ज़्यादा उम्मीदें भी हैं। सलमान खान की फिल्म में मौजूद होने से एक बात तो साफ है कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट हो जाएगी, लेकिन गौर करने वाली बात है क्या लोगों को रेस 3 की कहानी उतनी पसंद आएगी जितना लोगों को रेस 1 और रेस 2 को प्यार दिया था। आइए हम आपको बताते हैं रेस 3 की कहानी के बारे में, क्योंकि रेस 3 फ्रेंचाइजी की फिल्मों में स्पीड और सस्पेंस ही हैवी डोज होता है, तो इस बार भी ऐसा ही कुछ होने जा रहा है। इस मूवी के अंदर धोखाधड़ी, बेवफाई, साजिश की कहानी देखने को मिलेगी। फिल्म की लीड अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस होंगी, जो सलमान खान नहीं बॉबी देओल के अपोजिट होने वाली है। बॉबी देओल जो है रेस 3 में नेगेटिव भूमिका निभा सकते हैं। फिल्म के ट्रेलर लॉन्च के दौरान उन्होंने अपनी दमदार बॉडी के लिए सलमान खान को थैंक्स भी कहा था। इन तीनों के अलावा फिल्म में अनिल कपूर भी होंगे। अनिल कपूर इकलौते ऐसे अभिनेता हैं जो कि तीनों रेस सीरीज में फिल्म में मौजूद रहे। अनिल कपूर का इस मूवी में भी काफ़ी हटके रोल होने वाला है। फिल्म से जुड़े लोगों का कहना है कि अनिल कपूर का रोल काफ़ी हद तक फिल्म में सबसे अहम है। उनका कहना है कि फिल्म की कहानी अनिल कपूर के आजू बाजू ही घूमती हुई नजर आएगी। फिल्म में दो अभिनेता और हैं, वो हैं साकिब सालिम और डेजी शाह। फिल्म में जो ट्रेलर है वो जितना भी देखो उतना ही अच्छा लगने लग जाता है। उसको देखकर ये कहा जा सकता है कि फिल्म में नेगेटिव किरदार इन दोनों का ही रहने वाला है। डेजी शाह पहले ही ऐसे किरदार कर चुकी हैं और साकिब के लिए ये सब थोड़ा नया है, पर वो कमाल के अभिनेता है, उनके लिए ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होने वाला। फिल्म में साकिब और डेजी अनिल कपूर के बेटे और बेटी का किरदार निभाते हुए नजर आ सकते हैं। सलमान खान फिल्म में अनिल कपूर के दोस्त की भूमिका में नज़र आ सकते हैं। वहीं दरअसल जो है अगर बात करें तो ये मूवी जो है वो दुश्मनी और पॉलिटिकल बिजनेस की हो सकती है। अनिल अपने बच्चों से ज़्यादा सलमान खान पर विश्वास करते हैं। डेजी और साकिब की नज़र अनिल की प्रॉपर्टी पर है। इस बीच एंट्री होती है बॉबी देओल की। रेस 3 में हर मोड़ पर सस्पेंस और थ्रिलर देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर ये फिल्म एक पारिवारिक फिल्म होगी और ये परिवार के इर्द गिर्द ही घूमेगी। फिल्म की कहानी लोगों को बहुत पसंद आने वाली है, ऐसे फिल्म के प्रोड्यूसर्स का कहना है। सलमान खान की फिल्म होने के नाते आप इस मूवी को अपने परिवार के साथ देखने ज़रूर जा सकते हैं। अगर आप इस मूवी को देखने जा रहे हैं तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपने कोई इस मूवी से कितनी उम्मीदें, और सब्सक्राइब करें देखो देखो, क्योंकि बॉलीवुड से जुड़ी हर खबर आपको मिलेगी सबसे पहले।